जी दरअसल हमारा ट्रैवल का काम है, तो टूरिस्ट की डिमांड पे वो जिनको शौक है कुछ कुछ अलग चीज का, कुछ ट्रेडिशनल जो कश्मीर से रिलेटेड हो, तो उनके लिए उनको उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये हमारे जहन में आया कि क्यों ना यहाँ मैं अपने मड हट्स बनाए, तो उसी से ये स्टार्ट हो गया हमारा। तो कितना टाइम हुआ इन मड हट्स? इसको लगभग जी 2 साल हो गए बनाते बनाते। ये पहले ही तैयार हो जाता लेकिन फिर वो बीच में कोविड का जो आपको पता ही होगा वो सिस्टम रहा, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो फाइनली हमने ये 1 महीना पहले शुरू कर दिया। क्लूब कॉटेज नाम है इसका। जी जी, कैसा रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स का बड़ा अच्छा आ रहा है। जो हमारे पास टूरिस्ट ने स्टे किया यहाँ पे उनका भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा उनको, तो कुछ रिफ्रेशिंग कुछ नया मिला उनको। तो लोकल्स भी यहाँ रहने आते हैं तो वो भी बड़ा खुश होते हैं यहाँ की, क्योंकि जो हमने अंदर से फैसिलिटीज रखी है वो हमने मॉडर्न तर्ज पे ही रखी है, तो हमें दो चीजें हमारी फुलफिल हो रही है। एक तो कुछ नया प्रोवाइड करते हैं हम गेस्ट को, और दूसरा थोड़ा अपना ट्रेडिशन के साथ भी थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है वापस। 3 मड हाउसेस? जी जी, और भी बड़ा जी जी, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से तो इनसे तो बात नहीं बनेगी अब, तो और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सबा भट्ट हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैंने सुना तो था कि मड हाउस है लेकिन देखा नहीं था, बट आज यहाँ आते ही मुझे एक पुराना कश्मीर याद आया, जब हम दीवारों को देखो आप, यहाँ पे हर एक चीज कल्चर की दिखाई गई है। यहाँ पे रहना इज लाइक इफ यू वांट टू कम हियर अशीत बासा के इस पनिस कल्चर से जसा वापस असल कर ये शुद्ध तो ही मुबारे असल बनो उर्दू में। ओके उर्दू में, ठीक। यहाँ पे इतना अच्छा बनाया है कि जो भी हमारी आजकल की जनरेशन है जिनको कैफेज का ज्यादातर सिर्फ कैफे शॉप वहां पे रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली और कल्चर इज। यहां आके हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि वी आर कनेक्टेड टू आवर रूट्स है। इतना जो ये आइडिया है, दिस आइडिया इज वेरी माइंड ब्लोइंग, लेकिन यहां पर अगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो सकता है। एंड मेरी कंपनी की तरफ से मैं तो इतना कर सकती हूँ कि आई कैन ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल है। शौकत अली जरगर डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, और बहुत सालों से यहाँ पे एक सिलसिला चलता आ रहा है हमारा ये टूरिज्म के साथ, और हर दिन कोई ना कोई नई चीज देखने को मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं बिकॉज कश्मीर के हालात और हम लोगों की मजबूरियां। और सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा कि हमने सुना है कि जब भी कोई खूबसूरत चीज होती है तो उसको नजर लगती है, तो ये जेन्युइन सी बात है, यहाँ नजर तो लगती रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे पीर फकीर हैं, बहुत सारे औलिया अंबिया हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारी वो करेंगे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे लोगों को ये बताने की जरूरत है कि यार हम लोग अंदर बैठ बैठ के डिप्रेशन में चले गए हैं, आप बाहर आ जाइए, आप देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। आज एक पहली दफा मैं यहाँ अपने होटल से चलता हुआ आया अपनी गाड़ी में, और मैंने फेसबुक पे एक बाइट देखी यहाँ की मड हाउस, इसको नाम भी बड़ा यूनिक सा है इसका, मैं शायद वो भूल चुका हूँ, बट ये कभी दिल से निकलने वाली चीज नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम जब मैं छोटा सा था, मैं हिमाचल में पला बड़ा हूँ, और हमारे वहां पे ये ही कल्चर था,
यही घर थे, ऐसा ही था। आज जब मैं इतने बरस के बाद ये देख रहा हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि 20-25 साल से मैं टूरिस्ट के साथ वाबस्ता हूँ और मुझे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी इंसान किसी भी परेशानी में है, किसी भी डिप्रेशन में है, वो एक बार यहाँ आ जाए डंपिंग में और इस हट में एक रात बिताएं और यहाँ का खाना खाएं, वो सब कुछ भूल जाएगा।